अजमेर से बड़ी खबर। कानपुर के बाद अजमेर में मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश की गई। दो अलग अलग ट्रैक पर रखे गए थे 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक्स। इन ब्लॉक को ट्रेन ने टक्कर मारी, एक बड़ा हादसा टला। लेकिन ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था अगर इसमें नुकसान होता, चाहे हम गाड़ी की बात करें या फिर उसमें बैठे यात्रियों की। रविवार देर रात की घटना बताई गई। हादसे को लेकर मांगलियावास थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुड़ चुकी है। उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जब हर पहलू पर अब पुलिस हर मामले की पड़ताल कर रही है, चाहे वो पहला मामला हो उससे तार भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, हर एंगल से जानकारी जुटाने की कोशिश। और जानकारी के मुताबिक साजिश में दो से ज्यादा लोग शामिल हैं। जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि कहीं ये ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश तो नहीं। डीएफएससी रेलवे लाइन है, वो लामाना गांव जो मांगलियावास थाना क्षेत्र का आखिरी गांव है, उसकी सरहद पर किन्हीं शरारती तत्वों ने, अज्ञात लोगों ने रेलवे लाइन पर दो जगह जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स रखकर क्या उनका उद्देश्य रहा है, पटरी बेपटरी करना या क्या और नुकसान करना या कैसे उसको, तो जिस पर कोई जनहानि नहीं हुई, ट्रेन जो उन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ती हुई आगे निकल गई, और जिस पर SHO CO अधिकारी मौके पर गए हुए हैं और मुकदमा दर्ज जो है कर लिया गया 173/24 और 150-152 रेलवे एक्ट में और 3 PDP एक्ट में। शुभम हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शुभम, क्योंकि हर एंगल से जांच की जा रही है, इससे पहले कई मामले दूसरे राज्यों में हुए हैं उससे भी तार जोड़कर देखे जा रहे होंगे, लेकिन अभी तक पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया, क्योंकि दो से ज्यादा लोगों का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। शुभम जी, बिल्कुल। देखिए, जो जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, एक बड़ा हादसा जरूर टला है, लेकिन जो मंसूबे हैं वो पता करना बहुत बेहद जरूरी है और किन लोगों ने किया, क्योंकि अगर वो पकड़ाई में नहीं आए तो आगे भी कहीं ना कहीं उनके इरादे जो है वो और भी खराब हो सकते हैं। जिसको लेकर के जो अजमेर SP ने जैसे जानकारी दी, उन्होंने बताया कि हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने DST और जो स्पेशल टीम है उनको भी लगा दिया गया है और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि ब्लॉक कहाँ से उठाए गए थे और क्या मंसूबे थे, कौन लोग थे और क्या कारण था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीते दिन कानपुर के अंदर भी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर NIA जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी अजमेर पुलिस जो है वो इस मामले में पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो होने से टल गया, लेकिन अगर ये डीरेल हो जाती ट्रेन तो कहीं ना कहीं पूरा जो गाँव के अंदर जो हादसा का हदमा बैठता वो बहुत बड़ा होता और अभी भी लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है, क्योंकि आसपास के अंदर ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पूरा आबादी क्षेत्र है उसको लेकर के जो है पुलिस जो है पड़ताल कर रही है और आसपास में लगे तमाम CCTV हाईवे की जो गतिविधि है उनको चेक कर रही है और कौन लोग हो सकते हैं इसके अंदर शामिल, उसके लिए DST और स्पेशल टीमों को रवाना कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं, कौन लोग वो हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि यहाँ के लोग थे या बाहर के थे, और इससे पहले जो घटनाएं हुई है क्या उसमें भी दूसरे राज्य से बात की जा रही है इस पूरी घटना को लेकर, कुछ ऐसी जानकारी शुभम? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो पुलिस है वो अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है, जब मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा, अगर पुलिस के कोई सुराग हाथ में लगे तो हो सकता है पुलिस अन्य राज्य की जहाँ पर ये घटना और भी हुई है वहां से संपर्क कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस है वो दावा भी कर रही है कि जल्द से जल्द वो पूरे मामले का खुलासा करेगी और जो आरोपी उनको गिरफ्त में लेगी और उनके मंसूबे क्या थे उसको भी जानेगी। अगर ये मामले के अंदर दोनों लिंक एक साथ जुड़े होते हैं तो हो सकता है कि NIA जो है वो इस मामले में तफ्तीश करे। चलिए ठीक है शुभम, नजर बना के रखिएगा, बेहद गंभीर मसला है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया, समय रहते ट्रेन रोक दी गई, लेकिन टक्कर जरूर लगी। जो दो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए थे, एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है ये सिर्फ इस इलाके की हम आपको बता नहीं रहे हैं, देर रात संडे की देर रात की घटना है अजमेर से जो खबर सामने आई, लेकिन इससे पहले भी दूसरे राज्यों में भी इस तरह की खबर सामने आई। हमने आपको कानपुर की तस्वीरें भी दिखाई, इससे पहले दूसरे राज्यों से भी इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रेन ज़ियाद करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। अब आतंकवाद इस कदर तक पहुंच गया है कि इस तरह की साजिश रच रहा है, क्योंकि ये कोई शरारती तत्व की करतूत तो नहीं लग रही, ये जानबूझकर और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ
पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक बड़ी घटना हो सकती है, बड़ी जनहानि हो सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन समय रहते हर एक घटनाओं में ये देखने को मिला कि समय रहते बचाव कर लिया गया, एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब जरा देखिए 70 किलो वजने एक बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देर रात की घटना है रविवार की, और फिलहाल हर एक एंगल से जांच की जा रही है, कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि सबसे पहले सभी रूट्स को चेक किया जाए और रूट मॉनिटरिंग की जो कोशिश है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। समय समय पर जांच होती रहे कि कहीं कोई पटरी पर ऐसा सामान तो नहीं, क्योंकि कई बार कुछ शरारती बच्चे होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं तो फिर ये बेहद गंभीर मसला हो जाता है।